घराव में लाख बाधाओं के बाद भी अपने पहचान, अपनी अस्मिता और इस माटी की लड़ाई के लिए आए हुए हमारे पार्टी के आदरणीय सांसद जी, आदरणीय विधायक जी, पूर्व विधायकगण, हजारों की तादाद में आए हुए इस झारखंड के मूल विषय के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले आप सभी नौजवान साथी, महिला नेत्री, पत्रकार मित्रों का झारखंड के इस धरा से पूरे झारखंड के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को फूल जोहार, झारखंडी जोहार कर। आज हम यहां पर जिन मूल विषय को लेकर हम आए हैं, ये विषय झारखंडियों के परिचय का, सामाजिक न्याय का, धर्म कोड का, झारखंड के ओबीसी की जनगणना का, यहां के धन संपदा के लूट से झारखंड को बचाने का और झारखंड के लोगों को और यहां के नौजवानों को नियोजन देने के लिए आज हम लोग यहां पर खड़े हैं। ये अगर ये मुद्दा सीधे तौर पर हम किसी से भी कहेंगे, किसी पटल पर कहेंगे, विश्व के किसी लोकतांत्रिक सिस्टम में अगर इन बातों को हम रखने का काम करेंगे तो शायद लोकतंत्र को मानने वाला हर व्यक्ति, हर नेतृत्वकर्ता ये कहेगा कि ये सही लड़ाई है, ये अच्छी लड़ाई है और ये लड़ाई सबको लड़ना चाहिए। कहेगा कि नहीं कहेगा, बोलिए। तो मैं 2 दिन से ये लगातार जो परिस्थितियां बनी है, हम लोगों ने कहा कि सदन में हम रखेंगे, सदन में सबसे पहले भी आजसू पार्टी ने रखने का काम किया विषय को, और मैंने कहा कि सदन से नहीं तो सड़क पर सुदेश महतो पूरी पार्टी आके खड़ा। अब ये पूरे प्रक्रिया को व्यवस्था वाले और शासन वाले नाजायज कह रहे हैं, नाजायज कहा जा रहा है ना, ये गलत है कहा गया ना। अगर ये गलत है, इसी के लिए आपने प्रदेश में आज तक कोई भी सरकार द्वारा अपने क्षेत्र, अपने लोगों, अपने जमात के मूल विषय को रखने वाले को रोकने के लिए राज्य में कोई जिला नहीं होगा, राज्य का कोई ब्लॉक नहीं होगा या कोई कस्बा ना होगा जहां पर पुलिस ने अपना रैकेट नहीं लगाया। सच्चाई है कि नहीं? ये 2 दिन पहले से इस कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं को नाम पूछा जा रहा है कि किस कस्बे में, किस ब्लॉक में, किस नगर में, किस जिले के अंदर कौन सा संगठन में काम करने वाला कार्यकर्ता है। ये सारे कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जाती है और अनुमंडल अधिकारी बैठकर अनुमंडल न्यायालय के रूप में एक चिट्ठी जारी करते हैं। वो चिट्ठी नहीं है, एक अनुमानित राय जारी करते हैं। न्यायालय के पद पे बैठकर कोई अनुमानित राय जारी करता है कि आपसे, आपके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर का, विधि व्यवस्था का उल्लंघन हो सकता है, हो सकता है।
हो सकता है कहके आपको नोटिस भेजा जाता है, तालीम दिया जाता है, गया कि नहीं? 10,000 लोगों को इस तरह से नोटिस भेज दिया कि आप विधि व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। ये उनका एक एसडीओ लेवल के पदाधिकारी का कोर्ट ये कह रहा है या उसका दिमाग या राजशाही सरकार का ये दिमाग का सोच है कि नहीं? लेकिन पूरे राज्य में आज लोगों से पूछ लीजिए, जनमत करा लीजिए, राय ले लीजिए, पूरा राज्य का लोग बोलेगा स्थानीय नीति बनना चाहिए, स्थानीय नीति। सुदेश भैया जिंदाबाद। हम किसके लिए बने भाई साहब? एक पॉलिटिकल लीडर, एक सामाजिक कार्यकर्ता किस पक्ष का नेतृत्व करता है? आवाम का नेतृत्व करता है। और आवाम का यदि मत है कि ये मूल विषय है तो सुदेश महतो पूरी पार्टी ऐसे ऐसे न्यायालय का 10-10 नोटिस, 100-100 नोटिस लेने के लिए तैयार है। चूंकि वो नहीं जानते चेयर में बैठने वाले, चूंकि झारखंड आंदोलन का दर्द होता तो आज इतने जगह पर लोगों को रोकने का काम नहीं किया जाता। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उन्हीं उसूल का पालन करते हुए हमने कदम भर सीढ़ी भर चलने का काम किया। हमने जन की बात करी, जनसंवाद किया, सारे असेंबली पार्लियामेंट के मेंबर को चिट्ठी दिया, हमने मुख्यमंत्री जी से बात की, हमने राजभवन में हमारा प्रतिनिधि मंडल गया, ये सारी प्रक्रियाओं को से लेकर हाउस के अंदर भी हमने बात रखने का काम किया। जब ये बात पर कोई जवाब नहीं आता है तब जाके झारखंड का नौजवान और महिला सड़क पर आती है, यही इसका निर्णय। हमारा अपराध क्या है कि हम मूलवासी के परिचय की बात कर रहे हैं? झारखंड के 3.5 लाख नौजवान की नौकरी रिक्त है, उसके लिए नियोजन नीति बनाने की बात कर रहे हैं, सालाना वोट लगाने की बात कर रहे हैं। साहब इतना बुद्धि, इतना दिमाग, राज्य के सारे पुलिस अधिकारी, सारे प्रशासनिक पदाधिकारी, आज कोई वीडियो ऑफिस खाली है? वीडियो किसी चौक पर चौकीदार के रूप में खड़ा है और आजू का कार्यकर्ता ढूंढ रहा है। कल रात से एसपी, एसएसपी, डीएसपी, दरोगा झारखंड में चलने वाली हर गाड़ी को खोल रही है, देख रही है कहीं आजू का कार्यकर्ता तो नहीं है, बत्तीस मांगने वाला तो नहीं है। ये रोड में चलने से, खोजने से नहीं मिलेगा, झारखंडी जनता के दिल में 32 घूम रहा है, तैयार हर किसी के दिल में है, तो देख लो, हर कोई चाहता है। अगर इस विषय पर जितनी चौकीदारी की जा रही है, राजा साहब, मैंने राजा साहब कहा था कुछ दिन पहले, अभी हाउस में बोला तो रामेश्वर बाबू को बड़ा दिक्कत हो गया था, रामेश्वर बाबू बड़ा परेशान हो गए थे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगा कि रामेश्वर बाबू काहे बोल रहे हैं, क्योंकि एक कुछ दिन पहले मैंने अखबार में देखा था कि दोना देंगे कोना नहीं देंगे, बोले थे अभी कुछ दिन पहले कि दोना दे सकते हैं कोना नहीं दे सकते हैं, बोले थे ना, अरे ये व्यक्ति कैसे बोल रहा है भाई। तब हमको लगा नहीं, ये बहुत दिन तक यही व्यक्ति अफसर बन के जब पूरा झारखंड आंदोलन 80-90 के दशक में चरम पर था तो लालू जी का एजेंट बनकर लाठी और गोली झारखंडियों पर चलाने का काम कर रहा है, वही व्यक्ति है। ये सच्चाई है कि नहीं बताइए? सच्चाई है कि नहीं बताइए? 90 से लेकर 2000 दशंदा है, जितने भी केस मुकदमे झारखंड आंदोलनकारी में झारखंडियों पर, इतना कहेंगे कि झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू के कार्यकर्ताओं पर हुआ है, उसका नेतृत्व किसी ने झारखंड पर किया और झारखंड के बारे तत्कालीन गवर्नमेंट को कौन से कोई बताने का काम करते थे तो ही रामेश्वर बाबू ही थे, दूसरा कोई नहीं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो मुझे लगा कि ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्विस कर लिए ना, तो उस पब्लिक सर्विस में रहे नहीं, प्रशासनिक सर्विस में रहे, पब्लिक सर्विस रहते तो दिल उनका गवार नहीं देता, ऐसा बात कभी नहीं बोल सकते थे। तो फिर आज देखो,
जब हम यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आए, तो पूरा शासन लगा, जितनी चौकसी आज आजू पार्टी को रोकने में या झारखंड की आवाज को रोकने में पुलिस महकमा और राजशाही शासन ने किया, अगर इतना ही ताकत झारखंड का कोयला, झारखंड का पत्थर, झारखंड का बालू को रोकने के लिए कर देता तो एक भी यहां से एक भी संपदा का दोहन नहीं होता। होता क्या बताइए, एक भी हो सकता है क्या? अब एक अधिकारी रात को पाठ पढ़ा रहा है कि सर मेरा ये ड्यूटी है। हम बोले ये कोयला जा रहा है, इसको रोकना आपका ड्यूटी नहीं, उसको चलाना इसका ड्यूटी है, उसको चलाना इसका ड्यूटी है, और पब्लिक का आवाज उठे तो उसका रोकना इसका ड्यूटी है। ये फॉर्मूला यहाँ के शासन का है।